इस तरीके से वो वाली जो गाड़ी है ना, तो हमने वहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि हम ऊपर रहते तो यहाँ पर और हमारे पास सो गाइस मतलब लाइट ना आने की वजह से एक तो फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पा रहा। गाइस ये देखो अपना पिंजरा छोड़ के सो रही थी, उठ गई, इसको पता चल गया। सो जा सो जा सो जा कंडी, सो जा सो जा सो जा सो जा बाबू जा सो जा। सो ये देखो हमारे घर के बाहर गली में कितना सारा पानी है, अगर थोड़ी सी बारिश और आ गई तो अंदर आने के चांसेस हो सकते हैं। नहीं मैं नहीं जानती। सो फाइनली गाइज अभी बारिश रुक चुकी है थोड़ी सी, तो वो देखो हमारी गाड़ी किस तरीके से वो वाली जो गाड़ी है ना, तो हमने वहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि हम ऊपर रहते तो यहाँ पर और हमारे पास खड़ी करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी की हुई है। देखो अभी डूबने को आ चुकी है, बट अगर थोड़ी सी बारिश और आ गई ना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि लोगों का घर देखोगे ना मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है लोगों के घरों का, हर जगह आपको पानी पानी मिलने वाला है। तो मैं तो कहती हूँ कि अब ना ही आए बारिश तो ज़्यादा बेटर है। ये देखो ये अभी मैं ऊपर खड़ी हुई हूँ, तो हमारी ये गलियाँ हैं जो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भर चुकी हैं, निकलने की जगह नहीं है। सो हम तो यही प्रे करेंगे कि ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है बारिश। पहले मैंने आपको दिखाया था कि वो जो हमारा बैक साइड का एरिया था, या देखो ये नीचे देखो हर जगह देखो पूरी गलियाँ भर चुकी हैं यार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। हेलो कैसे हो? देखो ये देखो गाइस ये वो वाली तो हमारी गाड़ी थी, बट ये किसी और की गाड़ी है। ये देखो ये भी आधी डूब चुकी है, मतलब बीच रास्ते में खड़ी हुई है। और कल ये देख सकते हो हर जगह आपको पानी मिलने वाला है। ये असली इंजॉय तो बारिश का, देखो वो लड़की ले रही है, वो वाली लड़की वो खड़ी छोटी सी, देखो यहाँ पे आइए देखो। बेटा ना वाईफाई चल रहा है ना नेट चल रहा है, क्योंकि दो दिन तक ना लाइट आएगी ना पानी आएगा। सो आप ऐसे ही पड़े रहे अपने बेड के ऊपर, तो मैं कहाँ से दे दूँ? मेरा तो कंपनी ने सीमी बंद कर दिया है। तो उधर आ जा, रूम में आ जा, वहाँ पे चल रहा है, उधर आ जा, बाद में आऊंगी ना। तो नेट आएगा नहीं तो आना पड़ेगा तेरे को मजबूरी में। अभी भी आ रहा है, रेंज आ रही है। ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे फोन को देख क्या हो रहा है, अपने आप ना वो हो रहा है, जूम हो रहा है अपने आप, क्या पता है तेरे को? पता है जो नेहा मैम नहीं है, है? नेहा भला मैम, हाँ है ना, उनके घर के साथ वाली ना दुकानें थी ना जो होटल से, उनके आग लग गई। आग लग गई कब? सो ये बहुत ही दुख खबर ही है, अभी इसने मेरे को बताया। वो सब जो कपड़ा मार्केट थे उसमें जो भी कपड़े पड़े थे ना नीचे सूट सब पानी में, हाय नुकसान हो गया। 2-3 लाख रुपए का ऐसे नुकसान, 2-3 लाख का शॉप वाले कपड़े। हाँ वो तो है ही है यार, बहुत नुकसान होया वैसे ना इस बारिश के चक्कर में। मैं तो कहती हूँ अब ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है, अगर लाइट ना आई ना तो ये फिशेस का भी तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। इन्वर्टर पे चलाना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए रह जाती है अगर बिना बारिश के, सॉरी बिना लाइट के? 15-20 मिनट चला देंगे फिर 4-5 घंटे निकल जाएंगे इनके, बस 15-20 मिनट चला के फिर 4-5 घंटे निकल जाएंगे। तो हमारे जो इन्वर्टर है ना, हमने देखो कोई भी घर में लाइटें भी नहीं जगा रखी इस वजह से, कि क्योंकि 2 दिन तक अगर लाइट ना आई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस मतलब लाइट ना आने की वजह से एक तो फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पा रहा है, इन्वर्टर है वो भी बस डाउन ना पड़ जाए, यही चीज़ है और तो क्या है बस।